आज हम समझेंगे उत्प्रेरक को। उत्प्रेरक क्या होता है, हम में से किसको पता है? किसी को नहीं पता है, हम बताते हैं। शादी होती है किसी की, उसमें एक पंडित जी नाम की चीज होती है। अब शादी कौन कराता है? पंडित जी। लेकिन क्या शादी में पंडित जी अपनी शादी कर लेते हैं? नहीं। दुल्हन सा ले लेते हैं? नहीं। दूल्हे सा रहते हैं? नहीं। ठीक उसी तरह उत्प्रेरक अभिक्रिया को करा देता है, मतलब अभिक्रिया धीमे चले देश करा देगा, पंडित जी मंदिर पढ़ लेगा, अभिक्रिया को स्लो कर सकता है। तो उत्प्रेरक अभिक्रिया के वेग को बढ़ा सकता है, घटा सकता है, लेकिन अभिक्रिया में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। जिस प्रकार पंडित जी शादी करा देते हैं, पूरी शादी में बने रहेंगे, लेकिन उसके बाद आराम से अपना धूलि पत्र लेकर आगे चले जाते हैं। जैसा उत्प्रेरक वैसे ही पंडित जी। क्लियर हो गया तरीका? नहीं समझ हम लोग।